मतलब मेरा इलाका कश्मीर कलोनी शहर है, कायदे अजम फातिमा इस्लामी और अवामी इतमाद के लोगों के तहत सिविल सोसाइटी में वो लोग बरकी तरह आज ये यहाँ भी फलस्तीनी अवाम पर गजा पर जो मुजालम बहाए जा रहे हैं उस पर एक अवामी मुजाहरा किया जा रहा है जिसकी क्यादत जमात इस्लामी और दीगर सोसाइटी वाले कर रहे हैं और ये एक अवामी सतह पर शोर पैदा करने की कोशिश है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को गजा के लिए उठना चाहिए, ये फलस्तीन के लिए उठना चाहिए, खालिद के लिए उठना चाहिए। उसके लिए अगर देखा जाए तो शहर है कादन पर आप एक काफ़ी अवाम निकली हुई है जिन्होंने फलस्तीन के झंडे भी उठाए हुए हैं और इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत मुसलमान हुक्मरानों और इंसानी हकूक के इदारों को जो इंसानी हकूक के लिए आवाज़ तो बुलंद करते हैं लेकिन मगरब के लिए लेकिन मुसलमानों के लिए उस पर वो तो वर्क काम करने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है, फलस्तीन और गजा के मुसलमानों को बचाने की जरूरत है। उसके लिए आज एक इत्तेहाद हो रहा है, उसको देखें ये इस तरह लोग खड़े हैं। अभी हम बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं कैसे दिखाया जा रहा है, देखते हैं कैसे लोग खड़े हैं, लाइन दर लाइन खड़े हैं। एक बुजुर्ग हैं जो स्पेशल पर्सन है, वो अपनी थ्री स्कूटी पर आए हुए हैं, फलस्तीनी पर्चम उठाया उन्होंने, तमाम लोग खड़े हैं के तहत इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ये लाइन लगा कर लोग खड़े हैं, रिकॉर्ड करा रहे हैं सिविल मास्टर की इतनी का कार खुदा तुम्हारे साथ है, बड़े चलो बड़े चलो, दी के पास सबा हो तुम, बड़े चलो बड़े चलो, शहर के आज हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इशारा की अक्टी के लिए कैसे हुए हैं। मैं अपने तमाम सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने उन मुजलूमों की आवाज़ बनने में अपना किरदार अदा किया और जो इसराइल मुजालम ढा रहा है गजा पर और फलस्तीनी भाइयों पर, हम उसकी शदीद अल्फाज मजम्मत करते हैं, बल्कि अपने हुक्मरानों से ये गुजारिश करेंगे, बल्कि अपने हुक्मरानों को ये बताना चाहेंगे पुरजोर तरीके से कि फलस्तीनी की आवाज़ बने, फलस्तीनी को अकवामे मुत्तहिदा की उन तंजीमों उन इंसानी हकूक के अलमबरदारों के पास जाएँ, उनको फलस्तीन की आवाज़ बने और फलस्तीन के जो हकूक हैं जो उनके बुनियादी हकूकों में दिलाया जाए उनके जुल्म बंद किए जाएँ और जो गजा में जो इंसानी तजलील हो रही है उससे बचाया जाए, इंसानों को बचाया जाए, उन बच्चों को बचाया जाए, मजलूम बच्चों को जिन बच्चों के गले जबा किए जा रहे हैं, जिनको कतरे आम किया जा रहा है और इसराइल के जालमों को गुंडों को दरिंदों को इबरतनाक उनका अंजाम किया जाए। हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करेंगे कि अपने फलस्तीनियों की आवाज़ बने, कश्मीरियों की आवाज़ बने, शामियों की आवाज़ बने, लबनानियों की आवाज़ बने। अगर हम मुतहिद ना हुए तो इसी तरह ये हमें एक एक करके हमारे गले काटते जाएंगे, एक एक करके हमारे मुल्कों को बर्बाद करते जाएंगे। ये मुसलमानों का असासा बिखर रहा है, ये मुसलमानों का शराबा बिखर रहा है और इसके बिखेरने में इन अग्यार ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की हुई है। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि अपनी ताकत का मुजाहरा करें, अपने कुव्वत ईमान का मुजाहरा करें, जज्बा ईमान का मुजाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह हम इन काफार के आगे सीसा प्लाई दीवार बन के अपने फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, शामियों के साथ खड़े हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मैं तमाम आलम इस्लाम से फिर पुरजोर गुजारिश करूँगा कि फलस्तीनियों की आवाज़ बने, फलस्तीनियों को उनके बुनियादी हकूक दिलाएंगे।